ऐलान जंग में अब अगली खबर, और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं देश के लोकतंत्र में वोट के महत्व को बताने वाली कहानी। एक ऐसी गांव की कहानी जो छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच में है। यहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, दुर्गम रास्ते हैं। इस गांव में देश का सबसे छोटा पोलिंग बूथ है। लोकतंत्र में एक एक वोट के मूल्य का एहसास कराती ये तस्वीर छत्तीसगढ़ से आई है। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को दूसरे फेज का चुनाव होना है, जिसमें कोरिया जिला भी शामिल है। इसी कोरिया जिले के शेराडांड गांव में एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत पहुंचे। रायपुर से करीब 425 किलोमीटर दूर शेराडांड गांव पहुंचने के लिए जंगलों की चुनौतियों को पार करना पड़ता है, उफानी नदियों को चीरना पड़ता है और फिर आता है शेराडांड गांव। शेराडांड पहुंचने के लिए हम बाइक का सफर कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में पेट्रोल भराने की जरूरत पड़ गई। पेट्रोल पंप तो यहाँ है नहीं, तो इस तरीके की जो घर है वो यहाँ पर एक तरीके से सेवा करते हैं। आसपास के जो लोग जिनको बहुत जरूरत पड़ती है उनके लिए आधिकारिक रूप से ये पेट्रोल रखते हैं और लोगों को देते हैं। इमरजेंसी की जरूरत में इस बीहड़ इलाके में, खास तौर से अगर दूरी की बात करें, दुर्गम इलाका कहें तो दुर्गम इलाका है ये, और यहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं है, तो इस तरीके से घरों में पेट्रोल रखे जाते हैं। और अब हम अपनी बाइक में हमने पेट्रोल डलाया है और पेट्रोल डलाकर आगे बढ़ रहे हैं। शेराडांड गांव में सिर्फ 3 परिवार रहते हैं जिनकी कुल आबादी 12 है, और इनमें से सिर्फ 5 वयस्क हैं, यानी मताधिकार के योग्य। यानी ये सिर्फ देश का सबसे छोटा बूथ ही नहीं है, बल्कि देश का वो पहला बूथ है जहां मतदान 100% होता है। गांव के 5 वोटरों में एक महिपाल जी हैं, और उसके अलावा एक अलग फैमिली है रामप्रसाद और सिंगारो की। हम रामप्रसाद और सिंगारो से बात कर रहे हैं, ये दोनों वोटर हैं। ये बताइए कि आपके गांव में कुल कितने वोट हैं? गांव में 5 वोट है, 5 वोटर। और कैसे वो मतदान होता है? उधर से आते हैं, ट्रैक्टर में आते हैं, पुलुंग भूत वाला में। कितने लोग आते हैं? 12 जन आते हैं। 12 लोग चुनाव आयोग से आते हैं, आप लोगों के चुनाव वाले आते हैं 12 से चुनाव वाले। तो क्या क्या करते हैं आप? क्या करें, रुकते हैं। तो आप लोग हर बार मतदान करते हैं? हर साल हर जब मतदान होता है? जी सर, हर प्रवासी वोट डालते हैं। और इन 5 लोगों के मताधिकार को फिर से सुनिश्चित करने यहां निर्वाचन आयोग के कर्मचारी पहुंचे हैं, जिनकी संख्या 12 है। वोटर, नागरिक, लोकतंत्र और मतदान जैसे शब्दों के शेराडांड गांव में 2 पहलू हैं। एक तरफ तो इन जंगल में बसे हुए नागरिकों को ये बताया जाता है कि इनके वोट का बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन जिस एफर्ट के साथ इनके मतदान को कराया जाता है उस एफर्ट के साथ इन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाया जाता। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, कोरिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।